नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वाले इलेक्ट्रिक ज्ञान में। दोस्तों आज मैं इन्वर्टर से रिलेटेड जो बताने जा रहा हूँ, इसमें 99% इन्वर्टर में ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन दोस्तों लोग क्या करते हैं, सर्विस सेंटर वाले को फोन करते हैं, इंजीनियर को फोन करते हैं, किसी इलेक्ट्रीशियन को फोन करते हैं, वो आते हैं, जब तक आते आते बहुत टाइम भी लग जाता है, हमारे घर का लाइन भी डिस्टर्ब रहता है, और वो आते हैं तो कभी कुछ बता देते हैं इन्वर्टर खराब है तो कभी बैटरी खराब है। लेकिन दोस्तों आज जो मैं इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ, इस प्रॉब्लम को, इस वीडियो को अगर पूरा आप देख लेते हैं तो आप भी इस चीज से वाकिफ हो जाएंगे और आप खुद से सही कर पाएंगे। इसमें कोई करंट लगने का डर नहीं है, कोई करंट लगने का खतरा नहीं है, और इस प्रॉब्लम को आप इस वीडियो को देख करके सही कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लाइन आता है तो थोड़ा देर के लिए इसमें चार्ज में लेता है और उसके बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है, चार्जिंग छोड़ देता है। बैटरी का टर्मिनल देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल्स में क्लियर करूंगा कि आखिर ये इन्वर्टर का प्रॉब्लम होता है या फिर बैटरी का प्रॉब्लम होता है और इसको आप सही कैसे करेंगे, ये सारा कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब हम यहां से बैटरी को खोल लेते हैं, इन्वर्टर खोल लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को सारा कुछ क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ, वहां आप लोग क्लियर स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं ये हमने बैटरी के वायर को खोल लिया है और इसमें देख सकते हैं ये कितना गंदा है। आपका अगर इन्वर्टर 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए लाइन आते ही चार्ज में अगर लेता है, अगर चार्ज लेता है 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए भी, तो दोस्तों वो आपके इन्वर्टर का प्रॉब्लम नहीं है, वो बैटरी का प्रॉब्लम है। और दोस्तों इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा कि चीज को आप कैसे सही कर सकते हैं। ये सारा कुछ आज इस वीडियो में रामबाण इलाज बताने वाला हूँ, डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले प्रोसेस की तरफ। दोस्तों सबसे पहले आपको इसका जो टर्मिनल है ये साफ कर लेना है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा गर्म पानी कर लेना है, ज्यादा गर्म नहीं, हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए, आपको कर लेना है। उसके बाद इसको आपको उसके टर्मिनल को साफ करना है और इसका जो टर्मिनल है इसको इसमें डाल लेना है। ठीक है दोस्तों, आप दोनों को इसमें डाल लेंगे, आपको इसमें डाल लेना है। उसके बाद करना है इसमें जो नट बोल्ट लगा हुआ है इसको निकालना है आपको, ये सबको इसी में डाल लेना है, दूसरा को भी निकालना है। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को इसका रामबाण इलाज बताने वाला हूं कि क्या है ऐसा। दोस्तों इसमें सबको डाल लेना है, उसका दोस्तों आपको किसी ब्रश की मदद से आपको इसको साफ कर लेना है। बढ़िया से इसको साफ कर लेंगे, जो भी टर्मिनल है इसका, जितना भी इस पे दोस्तों कचरा है उसको आपको हटा लेना है, साफ कर लेंगे अच्छा से। दोस्तों देख सकते हैं ये पानी का कलर क्या हो चुका है, इसमें देख रहे होंगे कितना गंदा पानी है, मैंने कितना साफ सुथरा पानी डाला था। और बढ़िया से आप साफ कर लेंगे और इसका आगे मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या करना है जो आपका बैटरी का लाइफ बढ़ेगा और आपका इन्वर्टर बढ़िया से चलेगा और आपको जो है ना महीना में, दोस्तों महीना में नहीं तो 2 महीना में आपको बैटरी को इस प्रकार से साफ करते रहना है। इस प्रकार से अगर साफ करते हैं तो आपका बैटरी का बैकअप भी बढ़िया रहता है, ज्यादा देर चलेगा और लाइफ भी ज्यादा होगा। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। दोस्तों इसका मैं साफ करके आपको फिर इसका सारा कुछ दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं अच्छा से हमने बैटरी को साफ कर दिया है और ये नट बोल्ट में कितना गंदा लगा हुआ था, ये टर्मिनल में कितना गंदा लगा हुआ था, ये सारा कुछ हमने गर्म पानी से अच्छे से साफ कर दिया है। और इसमें आपको पानी भी चेक कर लेना है, सब में थोड़ा थोड़ा सा पानी आपको डाल देनी है, जिस हिसाब से आपको जरूरत रहे उस हिसाब से ही पानी डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, आपको सब में पानी थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है। ठीक है दोस्तों, ये हमने सब में पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद फिर आपको इसको लॉक कर लेना है, जो इसका ढक्कन है इसको लॉक कर लेना है। आपके पास अगर मीटर वाला है तो मीटर वाला लगा देंगे, आप इसको बंद कर लेंगे। उसके बाद का दोस्तों प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, ऐसा क्या करना है आपको बैटरी के साथ। अब दोस्तों सारा कुछ तो हमने साफ सफाई करके जहाँ पे रखना था वहाँ पे मैंने रख लिया है। उसके बाद मैं इसमें आपको क्या क्या करना है प्रोसेस ये मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपको करना है कि जो बैटरी का जो टर्मिनल है इसमें आपको एक वैसलीन ले लेना है और वैसलीन इस प्रकार से आपको पूरे में अच्छे से लगाना है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें अच्छे से वैसलीन लगा लेंगे, दोनों टर्मिनल में आपको लगा लेना है। और दोस्तों लगाने के बाद आपको माइनस में माइनस और प्लस में प्लस आपको लगा देना है। लगा करके मैं आप लोगों को सारा कुछ इसके बाद क्या क्या और करना है ये सारा कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बस दोस्तों आपको वीडियो को गौर से देखना है, देखते रहिएगा। इसको यहाँ लेना है और डाल करके इसको भी टाइट कर लेंगे आप। और दोस्तों एक को आपको पहले फुल टाइट करना है, उसके बाद ही आपको दूसरा को लगाना है। वैसे क्या होता है दोस्तों स्पार्क नहीं करता है ज़्यादा, और नहीं तो ढीला रहेगा तो उसके बाद दूसरा बैटरी का टर्मिनल आप लगाएंगे तो चरचराता है, स्पार्क ज़्यादा करता है। इसमें आपको रेड वायर को डालना है, देख सकते हैं
इसमें लाइन आ चुका है, उसके बाद इसको टाइट कर लेना है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बैटरी का वायर लगाने के टाइम आपका इन्वर्टर ऑफ होना चाहिए। ऐसे तो ऑफ और ऑन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑफ कर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि स्पार्क कम करता है। उस टाइम में लाइन का लोड नहीं रहता है तो आपका इन्वर्टर स्पार्क ज़्यादा नहीं करेगा, कम करेगा स्पार्क। अगर नहीं हटाएंगे तो फिर स्पार्क ज़्यादा करेगा, चढ़चढ़ाएगा ज़्यादा। तो आप लोग इन्वर्टर को पहले ऑफ कर लेंगे, उसके बाद ही आपका इसका वायर लगाना है। हमें मेन लाइन यहाँ से सप्लाई चार्जिंग को दे देना है इन्वर्टर के। दोस्तों देख सकते हैं लाइन, यहाँ लाइन आ चुका है, इन्वर्टर भी हमने ऑन कर दिया है। अब जैसे इसको हम लाइन ऑन ऑफ अगर करते हैं तो देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। पहले बंद हो जा रहा था 2-3 सेकंड चार्ज लेकर के, लेकिन अब बंद नहीं हो रहा है, वो डायरेक्ट चलते जा रहा है। अब ऐसे ही दोस्तों बस आपको सेम प्रोसेस करना है, या आपको दोस्तों बैटरी का जो टर्मिनल जो गंदा रहता है उसको अच्छे से गर्म पानी करके साफ कर लेना है, और साफ करके आपको बढ़िया से साफ करके उसके बाद वैसलीन लगा करके आपको फिर से यानी कि फिट कर देना है। जैसे आप मान लीजिए कि आपको बैटरी का सर्विस करना है, आप सर्विस करके फिर से लगा देंगे, आपका फिर जैसे चल रहा था पहले ही बढ़िया लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आप लोगों को अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप क्लियर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन या सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक से जुड़ी हर तरीके की वीडियो और जानकारी आपको इस चैनल पे हमेशा देखने को मिलती है और मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।